हेलो फ्रेंड्स, बार बार गर्भपात कराने की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और अगले 2 साल तक हम अभी बच्चा नहीं करना चाहते, चाहे वो किसी भी कारण से हो कि वो पढ़ाई कर रही हैं या अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी भी कारण अभी वो बच्चा नहीं करना चाहती है। तो उनका सवाल है कि हमें ऐसा कोई गर्भ निरोधक उपाय बताइए जो कि सुरक्षित हो, जिसे हम यूज करें तो हमें 2 साल तक कोई भी बच्चा ना ठहरे। तो मैं उन महिलाओं के लिए एक गर्भ निरोधक उपाय जो कि उनके लिए सुरक्षित है और बिल्कुल सही भी है वो आज बताऊंगी, जो कि है गर्भ निरोधक गोलियां। तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताऊंगी। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, कितनी तरीके की आती हैं, कैसे काम करती हैं, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए और उससे जुड़े जो कुछ भ्रम समाज में है उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इसके अंदर होते हैं हॉर्मोन्स। इसके अंदर 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो गोली होती है, ये 21 गोलियों का पैकेट आता है और कई कई जगहों पे, जैसे गवर्नमेंट में माला एन करके ये गोली आती है, उसके अंदर 28 गोलियां होती हैं, जिसमें से 21 गोलियां होती हैं वो सफ़ेद होती हैं और जो बाकी लास्ट की जो 7 गोलियां होती हैं वो काले रंग की होती हैं, जो कि आयरन की होती हैं। जो ये गोलियां होती हैं, डेली एक पूरे दिन में आपको एक गोली खानी है। कोशिश करिए कि आप इसको सेम टाइम पे खाइए, प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि शाम को खाना खाने के बाद जब आप सोने जाती हैं तब आप एक गोली का सेवन कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि डेली आप जो भी गोली खाएं एक फिक्स टाइम पे ही खाएं। जैसे कि मान लीजिए आपने आज की जो गोली ली है वो रात को 8 बजे ली है, तो अगले दिन जो आपको गोली लेनी है वो भी 8 बजे तक ले लेनी चाहिए। 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि जो टाइम आपने फिक्स कर दिया है आपको उसी टाइम ये गोली खानी है। ये जो गोली होती है ये शुरू करनी होती है जैसे ही आपका महीना शुरू होता है। आपको महीने के जो पहले 5 दिन होते हैं उसमें ये शुरू कर लेनी चाहिए। आप पहले दिन भी शुरू कर सकती हैं, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन विदिन 5 डेज ऑफ मेंसेस आपको ये गोली ले लेनी है और डेली आपको एक गोली खानी है, फिक्स टाइम पे खानी है, रोज़ खानी है। 21 दिन खाने के बाद आपको ये 7 दिन छोड़नी है, यानी 21 दिन जो होंगे वो एक्टिव डेज होंगे और जो 7 डेज होंगे वो इनएक्टिव डेज होंगे, जिसमें आपको जो है वो दवाई छोड़नी है। लेकिन जो गवर्नमेंट में जो दवाई मिलती है जिसमें 7 दिन के लिए काली गोलियाँ होती हैं वो आप कंटिन्यू खा भी सकती हैं। वो इसीलिए बनाई गई हैं 28 गोलियाँ, ताकि आपको कोई बीच में ब्रेक ना देना पड़े। हर गोली खाइए, 28 दिन तक खाई, फिर नया पैकेट शुरू करा, फिर 28 दिन खाई, फिर नया पैकेट शुरू किया। और जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें सिर्फ 21 दिन की ही होती हैं, उसमें आपको 21 दिन की सारी सफ़ेद गोलियाँ खा लेनी है और फिर 7 दिन के लिए आपको गैप देना है और फिर दोबारा से नया पैकेट शुरू कर देना। ये गोली का पैकेट कुछ इस प्रकार दिखता है। ये 21 गोली का पैकेट होता है जिसके अंदर 21 गोलियाँ जो हैं वो वाइट रंग की होती हैं और जो गवर्नमेंट से माला एन की गोली मिलती है उसमें 7 गोलियां और होती हैं जो कि काले रंग की होती हैं। अब ये जो गोलियां होती हैं ये गर्भ निरोध कैसे करती हैं? ये क्या करती हैं कि जो अंडा होता है उसको निकलने नहीं देती, यानी ओवुलेशन को ये होने नहीं देती। और अगर मान लीजिए अंडा बन भी गया है तो जो स्पर्म्स होते हैं उनको ये यूट्रस तक पहुंचने नहीं देती। ये सर्वाइकल म्यूकस, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो जो बच्चेदानी के मुंह पे एक म्यूकस होता है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस, उसको ये गाढ़ा कर देती है, थिक कर देती है, जिसकी वजह से जो शुक्राणु होते हैं वो बच्चेदानी के अंदर नहीं जा पाते। और जब वो बच्चेदानी के अंदर नहीं जा पाएंगे तो वो एक के साथ फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर मान लीजिए कि स्पर्म्स पहुंच भी गए, शुक्राणु जो है वो अंडे तक पहुंच भी गए और अंडा भी निकल गया, तो और जो है भ्रूण भी बन गया फर्टिलाइजेशन की वजह से, तो ये उस भ्रूण को बच्चेदानी से चिपकने नहीं देती, जिससे प्रेगनेंसी होती नहीं। अब बहुत से लोगों का ये सोच होती है
कि जो ये हॉर्मोन्स की गोलियां होती हैं ये इनके शरीर पे बुरा असर करती हैं, या फिर जो इनके महीने जो उनका महीना आता है उसको ये बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये बल्कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं, इनका जो एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको पहले महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो ये दर्द को भी कम कर देता है। अगर आपको पहले महीनों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती थी तो ये ब्लीडिंग को भी कम कर देता है। और अगर मान लीजिए आपको PCOD की शिकायत है तो PCOD में जो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स जो कि आदमियों वाले हॉर्मोन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, ये उनके लेवल को भी कम करता है। और साथ में जिन महिलाओं के PCOD की वजह से अनचाही जगहों पे बाल आते हैं या फिर चेहरे पे जो है मोटी मोटी फुंसियाँ निकल आती हैं, ये उनको भी कम करता है। इसके तो बहुत मतलब अलग से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये सिर्फ गर्भ निरोध तो काम करता ही है, साथ में इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, और साथ में ये कैंसर से भी हमारा बचाव करता है। जैसे कि ये अंडादानी के कैंसर यानी ओवेरियन कैंसर से बचाता है, बच्चेदानी का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर से भी ये बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपने ये जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं 5 साल खा ली हैं और आप इनको बंद कर देती हैं तो ये अगले 15 साल उस बंद करने के अगले 15 साल तक भी ये इन कैंसर से बचाव कराता है, सुरक्षित रखता है। इस पिल के साथ जो ये गोलियां हैं इनके साथ एक बहुत ज़्यादा परेशानी महिलाओं को रहती हैं कि वो पिल खाना कई बार भूल जाती हैं। अब मान लीजिए वो पूछती हैं कि अगर मान लीजिए हम मैडम एक पिल भूल गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम 2 पिल भूल गए हैं तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप 1 पिल भूल गई हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी घबराइए मत। अगले दिन जैसे ही आपको ये याद आता है कि आपने गोली नहीं खाई है, आप अगले दिन 2 गोली एक साथ ले लीजिए, एक पिछले दिन की और एक जो आज आपको खानी है, यानी 2 गोली एक साथ ले लें। और अगर मान लीजिए कि आप 2 पिल भूल गई हैं तो आपको जो लास्ट पिल है वो अगले दिन जैसे ही याद आती है आपको खा लेनी है, और उस दिन की जो पिल है वो भी खा लेनी है। और अगले 7 दिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी संबंध बनाए तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर मान लीजिए कि आप जो एक जो पिल है वो पहले हफ्ते में भूल जाती हैं और पिछले 48 घंटे के अंदर आपके संबंध बने हैं, तो आपको एक एमरजेंसी में भी एक गोली लेनी चाहिए जो कि IPL या अनवांटेड 72 के नाम से आती है। अगर मान लीजिए कि वही पिल अगर आप दूसरे या तीसरे हफ्ते में भूल गई हैं तो आपको जो है आपको जो 21 दिन की गोलियां हैं, जहां आप पहले 21 दिन की गोलियां खाते थे फिर 7 दिन का आप गैप रखते थे, तो अब आपको वो 7 दिन का गैप नहीं रखना है। अब आपको 21 गोलियां ख़त्म करनी है और नेक्स्ट पैकेट फिर 21 दिन के बाद शुरू कर लेना है। मान लीजिए आप 3 पिल भूल गई हैं, तब आपको क्या करना है। अगर आप 3 पिल भूल जाती हैं तो वही आपको लास्ट पिल जो आप भूल गई हैं वो लेनी है अगले दिन जैसे ही आपको याद आती है, और उस दिन वाली पिल लेनी है। अगले 7 दिन आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है, और जो अगला पैकेट है आप वो 21 दिन की गोलियां ख़त्म करके 7 दिन का वेट नहीं करना है, 7 दिन का गैप नहीं रखना है, और तुरंत अगला पैकेट शुरू कर लेना है। अगर मान लीजिए आप एक साथ 1 हफ्ते की दवाई भूल गई, तब आपको वो पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर देना है, और उस साइकिल यानी उस महीने आपको कोई ना कोई और गर्भ निरोधक उपाय को अपनाना है, और अगले महीने से फिर आप इन गोलियों को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब ये जो गोली है ये किन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनको नहीं लेनी है, या फिर जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है लेकिन वो धूम्रपान करती हैं यानी स्मोकिंग करती हैं तो उनको भी ये पिल नहीं लेनी है। जिन महिलाओं को कैंसर है, छाती का कैंसर है यानी ब्रेस्ट कैंसर है, उनको भी नहीं लेनी है, या फिर कोई लीवर की परेशानी है जो कि एक्टिव है यानी अभी इस टाइम पे अगर उनको कोई लीवर की दिक्कत है तो उसमें भी उनको नहीं लेना, या फिर किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है या फिर स्ट्रोक हो चुका है उनको भी नहीं लेनी है, या फिर जो है उनको माइग्रेन की शिकायत है और माइग्रेन विद ऑरा है यानी उनको जब माइग्रेन का अटैक आता है तो उससे पहले उनको आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है या फिर उनको उल्टियां आने लगती हैं, तो उनको भी ये नहीं लेनी है ये गोली।
अब इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स, इससे कई बार जो है सर में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, या फिर कुछ महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो वाटर रिटेंशन होता है उससे कई महिलाओं में थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है। लेकिन उससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं, तो वो कुछ समय के लिए ही होता है और जैसे ही आप दवाई बंद कर देती हैं तो ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है। समाज में गोलियों को लेकर, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं इसको यूज़ नहीं करती हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। आज मैं उस हर भ्रम का जवाब देने की कोशिश करूँगी ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इन गोलियों का सेवन कर सकें और गर्भ निरोध उपाय को अपना सकें। जो पहला भ्रम है वो है कि इन गोलियों से वेट बढ़ता है। तो इन गोलियों से वेट बढ़ता है, जो इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से वेट बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे शरीर ऐसा नहीं कि 10 किलो या 20 किलो वज़न बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत वज़न बढ़ता है। और लेकिन जैसे ही आप इस दवाई को छोड़ेंगी तो ये धीरे धीरे ये वापस अपने आप नॉर्मल भी आ जाता है। और दूसरा जो भ्रम है कि अगर मान लीजिए कि हम ये पिल खाते, कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि ये पिल खाते खाते हम किसी टाइम भूल जाती हैं और हम प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उससे हमारे बच्चे में कुछ विकृतियां बन जाएंगी, बच्चा जो होगा उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। तो केवल ये मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि केवल ये एक भ्रम है। अगर पिल के भूल जाने की वजह से अगर आपको बच्चा ठहर भी जाता है तो किसी भी स्टडी में ये नहीं पाया गया कि बच्चे में कोई डिफेक्ट आ जाएगा। तो आप बेहिचक होकर इन गोलियों को खाइए। तीसरा जो भ्रम है कि इससे जो है अगर आप ये दवाइयाँ छोड़ती हैं तो आपको दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, बल्कि ये देखा गया है कि जो औरतें पहले अगर गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं और वो छोड़ती हैं तो वो अगले ही महीने से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और बल्कि उनमें तो ये देखा गया कि वो और जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत फास्ट प्रेग्नेंट होती हैं बल्कि वो महिलाएं। तो आपको, आपके परिवार से मैं यही अनुरोध करूंगी कि ये गोलियां आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से लीजिए। ये गोलियां काफ़ी हद तक सेफ हैं। केवल ये समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि इस गोलियों से कमज़ोरी आ जाएगी, वज़न बढ़ जाएगा और जो है बच्चा करने में दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम ये काफ़ी हद तक सेफ उपाय है अगर आप इसको अपनाती हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इस वीडियो से गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपका जो एक डर है आपके अंदर जो बैठा हुआ है कि ये गर्भ निरोधक गोलियाँ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप जो है 2 साल तक बच्चा या 3 साल तक, जितने भी टाइम तक आप बच्चा नहीं करना चाहती हैं, आप अभी आपकी शादी हुई है, तो आप गर्भ निरोधक गोलियों को ज़रूर अपनाइए, बेहिचक अपनाइए। और जब भी आपको कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप उनको बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी हर प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। लेकिन मैं आज अभी फिर से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस गोलियों को अपनाइए, ये आपके लिए ही बनाई गई हैं, ये आपके लिए ही हैं, आप इसको अपनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ, और भी जो महिलाएं हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये जो डर है इन गोलियों को लेकर वो निकले।